सो है वेलकम बैक गाइज लोग यार टू अनदर वीडियो। एंड यार आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं फिर से पोकेमॉन मेगा लाइट प्लैटिनम। जी हाँ गाइज, लाइट प्लैटिनम नहीं बल्कि आज हम खेलेंगे पोकेमॉन मेगा लाइट प्लैटिनम। और गाइज इसमें ये चेंजेस है ना, क्या है तुम ही लोग ने बोला था यार, मुझे बंदे ने यार कमेंट करके कि इसमें मेगा इवॉल्व होगा इसलिए मैंने इसमें खेला। बट यार प्रॉब्लम ये हो गई ना कि यार इसमें मैंने पूरा ट्रेनिंग दिया और जहाँ तक पिछले मतलब पोकेमॉन लाइट प्लैटिनम में स्टोरी था वहाँ तक मैंने किया। हमारे पास चार मेंटर चार मिलियन भी बन चुका है बट यार हमारा वो जो फीबास था वो कैच नहीं हुआ। मैंने अल्ट्रा बॉल उस पर फेंका लेवल 3 का, सही में उसने तोड़ के भाग गया और जितने भी हमने सफारी जोन में मतलब पकड़े थे पोकेमॉन्स ऑल ऑफ दे आर गॉन। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है तो तो अब हमें वहीं से स्टोरी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और यार मैंने ये गेम बिल्कुल नहीं खेली है, ना लाइट प्लैटिनम ना मेगा लाइट प्लैटिनम। तो यार जो तुम लोगों ने अगर खेला है तो अपना कमेंट ज़रूर देना कि ब्रो ऐसे खेलना वैसे खेलना कहाँ जाना है, मुझे सब तुम लोग आइडिया देते रहना गाइज, क्योंकि मुझे लिटरली नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। एंड यार साइड में वॉइस आ रही होगी तो उसका समझ जाना थोड़ा सा। अब हमें इस तरफ से हम जाएँ? नहीं, अरे इसी तरफ से जाना था भाई। बिडूप बहुत आ रही है यार मेरे पास, मालूम है लेवल 30 का जब मैं पानी में गया था लेवल 30 का फीबास आया था बट यार हमने उसे पकड़ा ही नहीं क्योंकि मेरे पास पोकेबॉल ही नहीं था। कहाँ पता कहाँ से इसमें पोकेबॉल मिलेगा यार। और इस बार मैं भी सोच रहा हूँ कि यार फीबास जो पोकेमॉन आएंगे नहीं, हम कुछ अपने स्पेशल पोकेमॉन पकड़ेंगे मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर हो। हमारे 6 पोकेमॉन की टीम ही रहेगी थी और कुछ अच्छा ना हो जाए। हाँ वैसे हमारे घर मतलब कौन सा था प्रोफेसर का वो, आई गेस सो इज दैट कौन था गाइस, मे बी कोई भी हो सकता है। हाँ ये लग रहा है हाँ देखो यहीं पे, यहाँ प्रोफेसर ओक भी आ गए गाइस। प्रोफेसर जैस्मी, हाय प्रोफेसर ओक, वेलकम टू माय लैब। थैंक्स प्रोफेसर जैस्मी, लेजेंड टोल्ड मी आई हैड टू कम हियर क्विकली सो आई एम हियर टू लर्न अबाउट योर रिसर्च। येस प्रोफेसर, विद द लेजेंड्स हेल्प आई हैव बीन स्टडिंग एंशिएंट राइटिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। दे सेड दैट आर्सियस क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड ऑल द पोकेमॉन। Incredible! This is actually related to my latest research in Pokemon DNA. It seems all species have the same small trait in common. Yeah, guys, तो हम यहाँ पे थे मतलब मुझे 2 मिनट के लिए जाना पड़ गया था। Yes, Professor, right now that's all I know. I will send you the full document on a CD. Okay, Professor, I mean, अब हमें रेडियो सिटी जाना होगा क्योंकि इसमें बोला रेडियो सिटी। यार बहुत हवाते हैं ये लोग, मतलब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए। गुड जॉब लेजेंड, आई हैव रजिस्टर यू इन द जहरी लीग, नाउ यू कैन फाइट द जिम लीडर्स। गाइस देखो तुम्हें साइड में वॉइस वाली होगी ना तो तुम लोग मैनेज करना क्योंकि गाइस अब बहुत गर्मी है और मैं पंखा चालू किए बिना रह नहीं सकता, उतना देर से पंखा बंद था बट अब मैं चालू करूँगा। एंड बिकम पावरफुल ट्रेनर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड टेक केयर टीम, स्टीम स्टिल बी आफ्टर यूज। हमें पोकेबॉल्स नहीं मिलेगा? हाँ देखो मैंने उस पर दोबारा नाम मानता। गाइज मुझे पता चला कि यहाँ पे एक पोकेमॉन है एलेक्किड, तो क्या हमें इसे लेना चाहिए? यस, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रोवाइल तक इसमें इवोल्यूशन हुआ तब तो बहुत अच्छे गाइज, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई डोंट नो इसमें इलेक्ट्रोवाइल तक इवोल्यूशन है कि नहीं क्योंकि यार वो बहुत ओपी है इलेक्ट्रोवाइल। अब हमें यार जाना होगा वापस यहाँ से। ये क्या है यहाँ पे पिछली बार नर्स है टिकटॉकर्स इनक्रेडिबल ट्रेड विथ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। हाँ भाई सही बोला तुमने। कोई ओपी पोकेमॉन बताओ गाइस हमें किसे पकड़ना चाहिए लिटरली, मतलब हमारे पोकेमॉन इतने हाई लेवल के हैं कि वो तो जल्दी किसी से फाइट भी करेंगे तो वो डिफीट हो जाएगा। हम ढूंढते रहेंगे अपने पोकेमॉन की तलाश कोई ओपी पोकेमॉन। एक एलेक्विड वैसे कितने लेवल का है ये तो मैंने देखा ही नहीं ना, उसको हम ट्रेन नहीं करेंगे, उसके बदले पहले 4-5 पोकेमॉन उसके सहारे हम पकड़ लेंगे तो बहुत ओपी नहीं रह जाएगा। लेट्स चेक आउट हाउ मेनी पोकेमॉन्स वी हैव, मतलब कितने। ओ गाइस 5 लेवल का है, चलो कोई ना इसको हम लोग अब बैटल में उतारेंगे, बाद में मैं ट्रेन कर दूंगा इसे वीडियो के बाद तो तुम लोग बोर हो जाओगे। ये क्या कह रही है, माई फेवरेट पोकेमॉन इज रोजली, इट्स वेरी फेवरेट। कहाँ था गाइस, रेडियो सिटी तो यही, हाँ टावर यही दिख रहा है तो यही होगा रेडियो सिटी। मैंने एक बार गया भी था मतलब पुराने वाले गेम में, इसमें तो नहीं गया हूँ। ऊपर हो गए वो लोग मुझे जहाँ तक लग रहा है। ओ ये लोग नहीं, इनसे बात करके पूछता हूँ। ओ भाई हट जा जगह, गजब किया हुआ यार।
हाँ देखो यहाँ पोकेडेक्स दिखा मुझे। ओ भाई गोल्ड यहाँ पे भी है। ओ गोल्ड इज़ माय राइवल इन गेम का यार, मेरा मतलब गोल्ड मेरा राइवल है क्या? आई थिंक सो कि गोल्ड मेरा राइवल है, हो सकता है गाइस गोल्ड मेरा राइवल हो। वेल प्रोफेसर से बात करके देखते हैं। हे लेजेंड आई एम ग्रेट, यू केम हियर टू माय रिसर्च सेंटर, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू एंड केंटा। भाई उस गेम में गोल्ड नाम था, मैं क्लिकबेट कैसे बनाऊंगा? मतलब यार कितनी अच्छी अच्छी थंबनेल बन सकते थे, गोल्ड के साथ फाइट, गोल्ड को डिफीट, गोल्ड इज आवर राइवल। यार केंटा नाम रख दिया, बट टोपीज की गोल्ड जैसी हो रही है। पिछले गेम में इसका नाम गोल्ड था। वह खैर छोड़ो कोई नहीं, अब बोलना मत कि इसमें एस किचम इसका नाम है। वेल केंटा एंड लेजेंड, नाउ दिस टूल कैन गो ऑन मैग्निफिकेंट जर्नी थ्रू द जहरी लीग। गुड लक टू बोथ ऑफ यू, थैंक्स फॉर आई विल श्योर टू ट्रेन हार्ड, गुड बाय लेजेंड, वन डे वी विल हैव अ ग्रेट बैटल। ब्रो तुम गोल्ड हो, गोल्ड यार तुम लोग अगर लाइट प्लैटिनम देखे होगे मेरा पुराना वाला एपिसोड जिसमें उसने फिवास को पकड़ा था यार, उसके पास उसका नाम गोल्ड था, तो हम इसे गोल्ड ही बुलाएंगे। केंटा मुझे पसंद नहीं आया, बस बात जो है साफ, तुम लोगों को मानना है मानो। नो यार चिकोरिटा हम नहीं पकड़ें। यार सिंडक फील हमें लेना चाहिए, लेकिन दो दो फायर टाइप हो जाएगा। नो हाँ अब हम लेंगे टोटोडाइल गाइस, क्योंकि टोटोडाइल इज़ वेरी गुड। अब यार हमारे पास तीन तीन पोकेमोन हो गए। और ये टोटोडाइल भी मेरे हिसाब से पाँच ही लेवल का होगा आई थिंक सो, तो इन सभी को मुझे ट्रेनिंग देना पड़ेगा यार, बहुत मुश्किल लगने वाली है। वेल अब कहाँ चलना है हमें कोई बताएगा? मतलब लिटरली अब हम कहाँ जा सकते हैं यार, तुम लोगों को पता हो तो बताओ ना यार। वेल इस तरफ जाके कोशिश करें, पिछली बार तो हमें एक बंदे ने नहीं जाने दिया, वेल इस बार जाने दे शायद से, आई थिंक सो, वरना हम ट्रेन का टिकट लेने जाएंगे और कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं इस तरफ तो नहीं था वो, कहाँ था? चलो इनसे बात करते हैं। वेल हम इनहोर सिटी तो जाना है, तो कहाँ से जाएं इनहोर सिटी? वेल कोई तो जगह होगा गाइस, हम सीधे चलते हैं वरना तो यहाँ से। हाँ चलो आवाज़ आ रही है, बराबर आवाज़ आ रही है गाइस, मे बी चल जाओ यार। देखो खास गाइस हम पहुँच ही गए, तो हमारे फर्स्ट बैटल होने वाला है, सो चलो लड़ते हैं। एम्बर दे देना चाहिए गाइज हमें इससे। ट्रेनिंग घास में करना पड़ेगा गाइज, मुझे और कोई रास्ते ही नहीं है। कैटरपी और ऐसे यार तुम लोग के सामने ऑन स्क्रीन ट्रेनिंग करूंगा या बैटल करवाऊंगा ना उन लोग से, तो तुम लोग बोर हो जाओगे। अभी जैसे इस बैटल में कितना ज़्यादा टाइम लगता है बार बार चेंज करना, ऐसे भी मैं ट्रेनिंग भी कैसे कर सकता हूँ यार लोग बार बार मतलब चेंज करके, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दस दस लेवल का आ रहा है वो लोग, टिकेगा गाइज दोनों को मिला के इतना लेवल है। वैसे हमारे 18 लेवल का हो गया है, तो कोई डरने की बात ही नहीं है। कॉम्बीज के पास बहुत है, कॉम्बीज गेम में फेमस है क्या? वेल और यार हमें एक आइटम मिला था पिछले मैच में, इस मैच में फिलहाल मिले या ना मिले। वेल यहाँ पे कैसे जाएगा गाइस, किसी को आइडिया है? हाँ यहाँ से जाना है। रेयर कैंडी मिला, ओपी ओपी गाइस, ओपी ओपी इन द चैट। इसे हम पकड़ेंगे ना, हमारे दो दो इलेक्ट्रिक टाइप हो जाएंगे। वैसे ही तीन पोकेमोन हम एक एक एपिसोड में पकड़ लिए, अब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। लुक देयर सीम टू बी अ पोकेमोन, भाई ये मुझे किसके जैसा लग रहा है, जो गोल्ड डायमंड पर्ल का टोपी ऐसा ही रहता है। लेकिन वो इट्स पिचू दैट इज ड्रॉइंग, आई विल सेव इट। वाओ आई ग्लेड यू आर ओके, इट्स अ लिटल वर्ल्ड बट इट्स लुक पिच वांट्स टू रिवार्ड यू विथ बैटल। वही पांच लेवल का पीछू इसके सामने, तो मतलब पोकेमोन चेंज करके हम पीछू को रखे क्यों गाइज? लेकिन हमारे पास दो दो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन हो जाएगा, विल नॉट पीछू हमारी टीम में नहीं रहेगा। क्विक अटैक करते हैं गाइज, होप सो ये काम कर जाए। ये नहीं होगा गाइज, हमें इसे डिफीट कर देना चाहिए, हम इसे पकड़ेंगे नहीं, पकड़ना होता तो इसे यूज़ करते, लेकिन अब हमें इसे डिफीट करना है। चार्म करना इसे कुछ नहीं होगा, फाइट एक स्क्रैच से तो काम बन जाना चाहिए।
पिचू फेंटेड, पिकाचू अनेबल टू मूव. आई एम ग्लैड दैट्स ओवर, प्लेजर टू मीट यू, माई नेम इज डायमंड. देखा गाइस, देखा 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 इस गेम में यार, लिटरली इस गेम में गोल्ड है जिसका नाम किंटा हो गया, लेकिन हम उसे गोल्ड ही बुलाएंगे क्योंकि लाइट प्लैटिनम उसका. इसका इसका डायमंड है वर्ल्ड, जो डायमंड और पर्ल के सीरीज में. अरे यार, फिर इसमें एस केचम भी है. अब क्या चाहिए यार, जब इसमें गेम में एस और रेड भी हमें होप से कहीं आगे मिले तो मज़ा आ जाए यार. ट्रेनर फ्रॉम द सीनो रीजन. देखा गया सीनो रीजन, सीनो रीजन देख रहे हो, देखो मिल गया. अब मैं लिखूंगा पोकेमोन ट्रेनर डायमंड से बैटल. इसका नाम है क्या चीज, डायमंड ही ना है आई थिंक, किसका नाम डायमंड ही होगा. ऐसे मत कर बेवफाई भाई, डायमंड से मुकाबला है, जिताना पड़ेगा तुझे. वेल, पहला पोकेमोन फेंट, हमारे पास सिर्फ इसी का सहारा है गाइस, और किसी का सहारा नहीं, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकते. वैसे इसका नाम क्या है इस प्रोटैगनिस्ट का, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसे डायमंड ही बुलाता हूँ. मैं लिटरली गेम के कारण नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे दिख के डायमंड ही बुलाता हूँ, मुझे इसका नाम नहीं मालूम. सैड डायमंड ही हो तुम लोग, कहो भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, भाई बच जाओ प्लीज़ प्लीज़ बस. एक पोकेमोन उसका भी, एक पोकेमोन मेरा भी, एंड हमारे पोकेमोन पर रिस्क है, लेकिन चार्मेंडर है. नो, चार्मेंडर से हम कोई रिस्क नहीं ले सकते. काम तो कर देना चाहिए एम्बर को. अरे एस क्यू बेवफाई कर रहा है, हम लगता गए गाइस. ओहो नहीं यार, हम नहीं बच पाएंगे क्या. टोटो डायल अपना कमाल दिखाओ, बस टिक जाना टोटो डायल. ये गाइस टोटल गाइस को देखना भी कितना मिलता है, मतलब वो बस देखते रहो वो कितना मिल देगा इसको वो एक्सपी पॉइंट. बस रेज पोकेमोन ट्रेनर डायमंड डिफीटेड. वेल डन, यू आर ग्रेट ट्रेनर, यू डिजर्व माय कांग्रेचुलेशंस एंड रिस्पेक्ट. बियर ब्रो, अभी तो तुम मेरे वीडियो के थंबनेल बनने वाले हो. माय कांग्रेचुलेशंस ऑन योर विक्ट्री, यू रियली इंप्रेस्ड. यार मैंने इसे टोपी देख के इसे पहचान लिया था, अगर तुमने गेम खेलोगे तो तुम तो इसे पहचान ही जाओगे. यार कितना ओपी होने वाला है, जहरी लीक में आने वाला है. गोल्ड डायमंड मैं और यार एस किचम तो उसका चैंपियन है, मतलब वर्ल्ड चैंपियन, एंड मे बी शायद रेड भी है, तो मज़ा आ जाए. अच्छा हमें उस तरफ जाने में क्लू मिल गया, बट यार हमारे पोकेमोन हिल नहीं है, तो वापस हम जाएंगे और हिल करके आएंगे. बहुत जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे हिल करने के अपने पोकेमोन्स को. और ये बार बार घूम रहा है, लेकिन ये हमसे बैटल नहीं कर रहा है. ज़रूर ये हमसे कुछ देना चाहता होगा, एक बार हम इससे भी मिल के बात कर लेंगे. और यार कैसी लग रही है तुम्हें ये गेम, मुझे तो ये पोकेमोन एज गेम से बहुत अच्छी लग रही है. मतलब ऐसा नहीं कि वो बुरा गेम है, लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा मस्त लग रहा है. कैसा लग रहा है तुम्हें, तुम ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन देना, क्योंकि तुम्हारी ओपिनियन मैटर्स. वेल हम इससे बात कर लेते हैं. वन ओके, तो ये कुछ काम का बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब चलो नेक्स्ट हमें रेड मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा. इस रेड मिल जाए तो ओ बच के निकल जाए यार. ग्रोवलीथ मैं पकड़ लेता अगर मेरे पास चार्मेंडर. मैं इसमें मेगा इवॉल्व करूँगा यार, इस गेम में ज़्यादा मज़े है. मतलब इसमें मेगा इवॉल्व है यार, मतलब समझो यार जो लेजेंडरी होंगे वो मेगा इवॉल्व होके आएंगे, तो कितना ओपी लगेगा. और यार तुम्हें आवाज़ कैसी आ रही है इसमें, मतलब मैंने पोको M2 Pro नया फोन लिया. ओहो नहीं यार, मैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करने वाला. चलो बहुत ओपी क्रोगंक होने वाला है, मतलब रिस्क हमारे लिए है थोड़ा बहुत, बट कोई ना चलो ट्राई देते हैं इससे भी एक. अच्छा बहुत हार्ड हमारा एम्बर का स्निक्स, कोई दिक्कत नहीं. सब लेवल कम के हैं यार, हमारे पोकेमोन ज़्यादा ओपी हैं. क्रिटिकल हिट था गाइस, वैसे भी ऐसे भी डिफीट ही होना था, क्रिटिकल हिट की कोई जरूरत नहीं था. पाचिरसू ये इलेक्ट्रिक टाइप है, तो इसमें कुछ दिक्कत होगा नहीं. चलो वेल गाइस, पाचिरसू भी डिफीटेड. यार वो गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें तीन चार रीजन इंक्लूड हो, क्योंकि एक तरह के पोकेमॉन्स नहीं आते. यही हम लोग कोई गेम खेलते थे सिर्फ कैटरपी और यही आते. ओ भाई वल्पिक्स यार, ये मैं पकड़ सकता हूँ. वेट अ मिनट यार, नाइनटेल्स में इवॉल्व होगा तो यार यार कंफ्यूजन में डाल दिया. लेट्स स्क्रैच के साथ काम करते हैं, फेंट रहा हूँ तो काम हो जाए. वेल गुड इनफ गाइस, गुड इनफ. अब हम अपने बैग से यूज़ करते हैं पोके बॉल को, पकड़ा जाए तो यार मज़ा आ जाएगा, वरना तो हम इसे मार देंगे पक्का. ओपी गाइस, वल्पिक्स इन आवर टीम. हम एक 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 वीडियो में चार चार पोकेमोन हमने पकड़ दिए. अब देखेंगे इसे रखना है कि नहीं अपनी टीम में, क्योंकि यार ये मेगा इवॉल्व होता नहीं, और जो मेगा इवॉल्व नहीं होता उसमें मज़ा नहीं है.
वेल ये कौन है? दिस टीम मस्ट हैव पोकेमॉन, आई कैन सी इट। हे यू, आर यू लेजेंड? माय नेम इज, देखा देखो गाइस रेड आया इसमें, रेड। तब बोलो वो केंटा है या फिर वो गोल्ड है, तुम लोग बोलो। जब इसमें रेड एंड डायमंड है तो वो केंट और एस किचम भी है तो वो भी गोल्ड बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ट्रेनर फ्रॉम कॉन्ट प्रोफेसर ओ कैन प्रोफेसर जैन टोल्ड मी अबाउट यू, कम हियर फॉर अ सेकंड, लुक एट दिस ट्री, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर, सी ऑल द फ्रूट्स, इट मीन्स लिविंग इनसाइड द ट्री। ओ गाइस ये गेम ओपी होने वाला है, लिटरली ओपी। एम्बर से तो काम हो जाएगा आई थिंक सो। ये गाइस सिलकून तो भी एम्बर से काम हो जाना चाहिए मे बी। यार तुम लोग बताओ मुझे नाइन टेल्स को रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे तीन पोकेमॉन हो गए हैं और नाइन टेल्स को रखने में चार, मतलब सिर्फ दो पोकेमॉन की जगह बनेगी। तुम लोग बताओ मुझे रखना चाहिए कि नहीं, और नाइन टेल्स इवॉल्व भी नहीं होता, मतलब वॉलपिक्स। तुम लोग बोलोगे तो मैं रखूंगा वरना भी नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मुझे बस वॉलपिक्स ये नाइन लेवल का था तो मैं थोड़ा खुशी से पोकेवॉल से अगर आ जाता है तो क्या बुराई है ना, आने दो आ जाता है तो। नो गाइस रेज आई डोंट थिंक सो, रेज ज़्यादा काम और चीज़ है, नहीं यही रहने दो ठीक है। भाई तू जल्दी कर थोड़ा सा, अपने को जल्दी है जाना, समझ ले, थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लेगा तो बहुत अच्छा हो। कॉम्बी यार बहुत आ रही है, क्या बात है, इसका इवोल्यूशन यार ज़्यादा ओपी लगता है मुझे देखने में बहुत। ऑलरेडी 15 मिनट की वीडियो बन गई तो अब हम दूसरे शहर में बस चल जाएँ तो अब हमें कोई दिक्कत ना आए, मैं यही दिल से चाहूँगा। अल्ट्रा बॉल हमें एक और मिल गई गाइस, ओपी इन द चैट। ये लास्ट बैटल होगी मेरे हिसाब से आई थिंक सो। जो बिडूफ है इसके पास गाइस, बिडूफ, बिडूफ अच्छा पोकेमोन है, रखना चाहिए हमें बिडूफ को, बिडूफ बिडूफ। ओ भाई डैमेज कर दिया अपने को, डैमेज देता है बिडूफ। नहीं पीजी के लिए हम एम्बर यूज़ करने वाले हैं, क्विक अटैक करता है यार, बहुत डैमेज दिया पहला ट्रेनर मुझे, जो 10 एचपी का डैमेज कर दिया है वो भी हम मेरे पोकेमोन को। अब इसके पोकेमोन ज़्यादा टिकने नहीं वाले, ये थोड़ी सी दिक्कत ना कर दे, वो लगा ही था यार बस स्क्रैच से, अब काम तो हो जाएगा इसका तो, अब हमें उतने डरने की बात नहीं है। मुझे लगता है रेज का कुछ काम नहीं, रेज कन्फ्यूज कर देता ना पोकेमोन को जहाँ तक मुझे ध्यान है। मे बी सिंग्स है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंग्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, सिंग्स के लिए अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। ओ नो व्हाई आई यूज़ दैट सथिंग यार, मेरे गलत मूव के कारण ना ये मुझ पे हावी हो रहा है सही में यार, मेरे गलत मूव की वजह से मुझे इतना डैमेज पहुंचा पाया, वरना इसकी औकात ही नहीं है, नहीं है। स्पीयर मिला गाइस, नहीं चलो गाइस अब हम बस दूसरे साइड में पहुंच जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई। मे बी यार और स्टोरीज लंबी हो जाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हाँ पोकेमोन हिल्स कर लूँगा, और यहाँ पे इतनी सारी घास है तो बैटल तो नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, ऐसा देखो मैं कुछ भी कर लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।